Hello everyone, this is Shalesh. Today we are going to study about cyber security in India. It is one of the most prominent topics under internal security, which is a part of GS Paper 3 UPSC mains. The objective of this lecture is not to make you guys a scholar or an expert in cyber security, but to provide you guys with enough information so that you can deal with your question paper.

तो जो वर्ड है वो साइबरनेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था 1948 में एंड इट वाज यूज्ड बाय नॉर्बर्ट वीनर साइबरनेटिक्स इज़ स्टडी ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशंस इन एनिमल्स एंड मशीन्स एक्चुअली जो वर्ड साइबरनेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड कुबरनेटिक्स से ओरिजिनेट होता है एंड कुबरनेटिक्स का मतलब होता था गवर्नर गवर्नर मीन्स यू नो टू गवर्न समथिंग और टू स्टीयर समथिंग और टू गाइड समथिंग ओके बट आज के डेट में इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है सो वी कैन से कि जो एक्चुअल मीनिंग है साइबर का वो हम आज के डेट में यूज़ नहीं करते हैं द वर्ड हैज़ इवॉल्व्ड एंड इट कंटेन्स अ लॉट मोर

और जो उसके फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हुए हैं सेम इज़ द केस विद द वर्ड साइबर साइबर जो है अगर आज की डेट में देखा जाए तो एक प्रिफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है आप जैसे मान लीजिए साइबॉर्ग एक मूवी है काफ़ी फेमस साइबॉर्ग के ऊपर अलीटा द बैटल एंजल इट इज़ वेरी गुड मूवी इफ यू हैव टाइम यू कैन वॉच इट साइबॉर्ग uh, यहाँ पे क्या है साइब बोले तो साइबर एंड ये जो ऑर्ग है यहाँ पे रोबोट एंड ऑर्गेनिक इट मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक बॉडी एंड साइबरनेटिक्स तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर एक हाफ ह्यूमन हाफ रोबोटिक बॉडी तैयार करना और उसे कहा जाएगा साइबॉर्ग ये सारी चीज़ें साइबरनेटिक्स के अंडर आती हैं दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है साइबर सिक्योरिटी कॉमन एजम्पन तो यही होगा कि द प्रोटेक्शन ऑफ साइबर वर्ल्ड अगर हम साइबर वर्ल्ड को या साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं तो उस एक्ट को साइबर सिक्योरिटी कहा जाएगा इज इट करेक्ट यस इट इज़ करेक्ट इन ब्रॉड सेंस बट साइबर स्पेस के साथ एक प्रॉब्लम है जैसे इंडिया का अपना एक एयर स्पेस है हम लोगों ने स्पेस डिफाइन किया हुआ है कि इंडिया का एयर स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है अगर कोई अननोन एयरक्राफ्ट इस एयर स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है विदाउट परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन एयरफोर्स उसको शूट करने के लिए ऑथोराइज है सो इंडिया हैज़ अ डिफाइंड एयर स्पेस बट साइबर स्पेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज़ वर्चुअल इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर वी आर पार्ट ऑफ साइबर स्पेस ऑल द टाइम वर्ल्ड में आज के डेट में फोर बिलियन से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं कोई अमेरिका में हैं कोई स्पेन में है कोई इंडिया में है कोई पाकिस्तान में है एंड ये सभी ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो एक कॉमन साइबर स्पेस का पार्ट है तो यहाँ पर साइबर स्पेस को हम कंट्री स्पेसिफिक डीलिमिटेशन या डिमार्केशन नहीं दे सकते हैं एंड दैट इज वाई उस स्पेस को जब डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट करना कैसे पॉसिबल होगा क्योंकि दिस इज सो ब्रॉड कि इसमें ब्रीच कहीं से भी हो सकती है अटैक कहीं से भी हो सकता है एब्सोल्यूट साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल what it means is that cyber world or cyberspace will always be vulnerable we can just try to make it secure now let's understand the root cause of cyber problems cyber crimes what is a cyber crime anything or any crime that you commit in cyberspace using technology वो आपका साइबर क्राइम होता है आपने हैकिंग की साइबर क्राइम है डेटा चोरी किया साइबर क्राइम है आपने ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए किसी के बैंक अकाउंट की चोरी कर ली दैट इज़ ऑल्सो अ साइबर क्राइम सो साइबर क्राइम इंक्लूड्स वाइड वेराइटी ऑफ क्राइम्स दैट आर डन यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज प्रॉब्लम कहाँ है जड़ कहाँ है साइबर क्राइम की वो है इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज के डेट में हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं इफ़ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्राम इंटरनेट लेट्स फॉर फोर आवर्स बिकम रेस्टलेस बिकॉज आर लाइफ हैज बीन सो कनेक्टेड विद इंटरनेट एवरी वन अक्रॉस द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू इंटरनेट इन वन वे और अनदर एंड दैट इज वाई द चैलेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैज़ इवन अ

एक कम्युनिकेशंस नेटवर्क अस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली शेयर किया जा सके या फिर इन सब के लिए एक कॉमन पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाया जा सके जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कभी भी गेन कर सकते थे उसका एक्सेस उनके पास होना चाहिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आया इंटरनेट का इनिशियली इट डिड गेन पॉपुलैरिटी बट इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वो तब बढ़ेगी जब टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया एंड वर्ल्ड वाइड वाइड वेब ने क्या किया वर्ल्ड वाइड वेब ने इस इंटरनेट को पूरी दुनिया के लिए इस नेटवर्क को पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल बना दिया प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ हुआ प्रॉब्लम का ओरिजिन हुआ कि जब यूएसए ने आर्पनेट डिज़ाइन किया था तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हो रहा था वो ट्रस्ट वर्दी पार्टीज़ के बीच में हो रहा था तो जो डेटा ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी थी वो थोड़ी कम थी या मे बी ना के बराबर थी बट वर्ल्ड वाइड वेब पर हर किसी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया नाउ एनी वन कुड एंटर एंड एनी वन कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट एंड टूडे मोर देन फोर बिलियन यूजर्स हु आर यूजिंग इंटरनेट उनमें से कोई भी एक थ्रेट हो सकता है इस पूरे इंटरनेट सिस्टम के लिए दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरनेट एग्जैक्टली exactly काम कैसे करता है सरल भाषा में बताता हूँ कंसिडर दैट इंटरनेट इज नॉट लाइक अ क्लाउड ओके इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जस्ट बेसिकली अ कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म अ कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म सी सपोज दिस इज अ पार्टी और लेट्स ए अ पर्सन दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू दिस लाइन इस वाली लाइन से कनेक्टेड है नाउ दिस इज अ पर्सन हेयर दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम लाइन इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये व्यक्ति इस लाइन के थ्रू इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकता है सो इंटरनेट इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म अब यहाँ पे आप व्यक्ति की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं व्यक्ति की जगह आप आप सर्वर यूज़ कर सकते हैं तो डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वायर इंटरनेट में यस yes, एग्जिस्ट करती है इंटरनेट एक्चुअली कंटेन्स वायर वो वायर फाइबर ऑप्टिक की हो सकती है वो आपके सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हो सकती है एंड नॉर्मल इवन कॉपर वायर्स आर यूज इन बिल्डिंग द इंटरनेट नेटवर्क तो ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क से सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं सर्वर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से जो सर्विस है वो उसके क्लाइंट्स को मिलती है फॉर एग्जांपल, मैं अभी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक मोबाइल कंपनी हो सकती है उससे कनेक्टेड होगा लाइक आई एम यूजिंग जियो राइट नाउ तो मेरा जो लैपटॉप है या मेरा जो मोबाइल है वो एक क्लाइंट है किसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए जियो के लिए जियो का अपना एक सर्वर है और वो सर्वर किससे कनेक्टेड है वो मेन इंटरनेट से कनेक्टेड है अगर मान लीजिए मुझे किसी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है सपोज कीजिए मैं व्हाट्सएप पर टेक्स्ट सेंड करता हूँ लेट्स से मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स जियो का नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं मिस्टर एक्स यूज़ कर रहे हैं एयरटेल का नेटवर्क

डिलीवर करेगा ये चीजें इतनी फास्ट होती हैं इतनी फास्ट होती हैं दैट यू कॉन्ट इवन इमेजिन 4G जी टेक्नोलॉजी फाइव जी टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट स्पीडिंग अप द थिंग्स अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अब सपोज कीजिए मैंने टेक्स्ट एक्स को भेजा वो जब सब लोग एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं तो वो टेक्स्ट वाई को भी तो जा सकता था बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज एवरी डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका एक इंडिविजुअल आई होता है तो इट वर्कस लाइक अ पोस्टल सिस्टम जैसे आपने एक लेटर पोस्ट किया अपनी ग्रैंड मदर को तो जो एड्रेस आपने डाला है वो डिफरेंट सोर्सेस से राउट होकर उसी एड्रेस पर वापस जाएगा अगर वो एड्रेस गलत हुआ तो वो बाउंस होकर आपके पास वापस आ जाएगा सो जस्ट लाइक अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ वर्ल्ड के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं इसमें बहुत बड़े बड़े सर्वर्स राउटर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सेटेलाइट्स उनका स्पेक्ट्रम वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं बट दैट इज़ समथिंग दैट वी डोंट नीड टू डेल्व इन टू राइट नाउ सो आई होप हैव गिवन यू अ ब्रीफ ओवरव्यू हाउ इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स एंड कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है अब क्योंकि इंटरनेट में इतने सारे यूज़र्स कनेक्टेड हैं जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे चेंज जितनी बड़ी होगी उसकी वलनरेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी एंड दैट इज़ वाई साइबर सिक्योरिटी को एब्सल्यूट बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन काम है कोई भी कंट्री कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है साइबर क्राइम से नॉट इवन यू एस ए नॉट इवन इज़राइल इंटरनेट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कनेक्टिविटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं कनेक्टिविटी को शट डाउन कर देना इज नॉट द सोल्यूशन बट उसे सिक्योर बनाना इज़ द सोल्यूशन सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इंटायर लेक्चर दैट इंडिया का साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या स्टैंड है और हमने क्या क्या एक्शंस लिए हैं या हमने कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया में फ़ेस किए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी वैसे तो अगर साइबर स्पेस को डिफ़ाइन करना हो तो बहुत सिंपल है इट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं इट इज़ वेरी सिंपल सरल भाषा में लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है देन यू यू कैन यूज द ऑफिशियल डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि साइबर स्पेस इज अ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली होगा चार बिलियन से ज्यादा यूजर्स कनेक्टेड हैं तो कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली होगा कंसिस्टिंग ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज सपोर्टेड by worldwide distribution डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ and एंड technology टेक्नोलॉजी डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट मच अ वर्चुअल कंप्यूटर वर्ल्ड मोर लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट्स ऑनलाइन कम्युनिकेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ मैनील्ड वाइड सब कम्प्यूटर एंड ऑल वही जो जिस तरीके से इंटरनेट काम करता है सर्वर्स उनके छोटे सर्वर्स राउटर्स एंड डिफरेंट चीजें जिनके थ्रू राउट होकर इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है साइबर स्पेस अलाउज यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है गेम्स पबजी काफी पॉपुलर है इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर स्पेस यू कैन प्ले पबजी विद इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स एंगेज इन डिस्कशंस और सोशल फोरम्स कंडक्ट बिजनेस क्रिएट सोशल मीडिया

विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस वर्ड यूज़ किया था उसने एक बुक लिखी थी साइबर मैंसर करके उसमें उसने पहली बार इस वर्ड को मेंशन किया था बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की हमारे इंडिया में आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है काफ़ी पॉपुलर एक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए ये साइबर सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करता है एज़ प्रोटेक्शन गिवन टू डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस यूज डिस्क्लोजर डिसरप्शन मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन अगर आप इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज़ तरीके से एक्सेस करते हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं उसे मॉडिफाई करते हैं उसे डिस्क्लोज करते हैं तो ये सब हमारे साइबर क्राइम्स के अंडर आता है

वी आर हाईली वेलरेबल टू साइबर क्राइम्स इन इंडिया फाइव हंड्रेड मिलियन से ज़्यादा मंथली एवरेज एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं और हर इंटरनेट यूजर अपने आप में एक विक्टम हो सकता है या फिर एक थ्रेट हो सकता है साइबर सिक्योरिटी डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन है हमारा पर्टिकुलरली उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई है क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स है नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन यूज़र्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है ऑनलाइन क्राइम्स जो हैं उनमें सेवेंटी टू एटी टाइम्स राइज हुआ है जामताड़ा आपने सीरीज़ देखी होगी या उसके बारे में काफ़ी सुना होगा ओ से लेकर फोन पे, गूगल पे किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है जिसपे फ्रॉड नहीं होता है द प्रॉब्लम इज़ के हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इन चैलेंजेस के बारे में पता नहीं है एंड हु कैन बी इजीली ड्यूब्ड बाई दीज पीपल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में जो इंडिया की वेबसाइट्स हैं उन पर जो अटैक्स का काउंट है वो लगभग बीस गुना बढ़ चुका है सो यू कैन से दैट इंडिया इज कॉन्स्टेंटली अंडर द थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम्स एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ टू कीप इट्स साइबर सिक्योरिटी अप टू डेट इस चीज़ से डील करने के लिए अब जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो सरकार ने पहले से एंटिसिपेट किया कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली एसोसिएटेड रहेंगी बिकॉज अ कॉइन हैज़ टू साइड्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हमें पॉजिटिव को आउटलाइन करना है और नेगेटिव को हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है दैट इज़ वाई एक कमेटी बनाई गई थी गुलशन राय कमेटी एंड फाइनली गुलशन राय को इंडिया का फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी चीफ अपॉइंट किया गया ये एक स्पेशल पोजिशन है जो क्रिएट की गई थी पी एम ओ में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एंड यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजिशंस इन इंडिया वेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी देर आर डिफरेंट एजेंसीज़ जो कि काम कर रही हैं साइबर क्राइम से डील करने के लिए जैसे कि एक है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दूसरी है आपकी साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको आप शॉर्ट में आई सी भी बुला सकते हैं बिकॉज आई फॉर इंडियन एंड यहाँ पे सी देखिए चार बार यूज हुआ है तो फोर सी आई फोर सी भी बुला सकते हैं ये एक डेडिकेटेड नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जहाँ पर साइबर क्राइम से कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में डील किया जाता है आई फोर सी के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ऑफिशियली सेवन ऑर्गेनाइजेशन हैं बट सबके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंडर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ये अलग तरीके से काम करती है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर अलग है उनका रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर अलग है सो देर आर सेवन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं आई फोर सी के अंडर ना लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स पहले होते हैं साइबर क्रिमिनल्स देन वी हैव साइबर टेररिस्ट साइबर एसपी एन एच एंड साइबर हैक टेरिस्ट्स चारों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है फ़र्क है इंटेंशन का ऑब्जेक्टिव का कि जो साइबर क्राइम है या जो साइबर थ्रेट है उसका नेचर क्या है उस नेचर के बेसिस पर हमने थ्रेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा है साइबर क्रिमिनल्स नॉर्मली वो लोग हैं जो साइबर क्राइम्स को एग्जीक्यूट करते हैं बैंक्स को हैक करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेटा चुराना या फिर जो फिशिंग स्कैम्स होते हैं वो रन करना कंप्यूटर रैनसमवेयर वायरसेस डेवलप करना एंड ऑल एंड साइबर क्रिमिनल्स इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं या फिर वो किसी बड़ी सिंडिकेट का किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं ओके okay? अब साइबर टेररिस्ट्स कौन होंगे वही साइबर क्रिमिनल्स जो अब पैसा नहीं चुराना है उन्हें उनका मिशन है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को डीस्टेबलाइज करना है कैसे डीस्टेबलाइज कर सकते हैं उसको उसको डीस्टेबलाइज कर सकते हैं उसके क्रिटिकल एसेट्स को अटैक करके मान लीजिए इंडिया की पावर ग्रिड ओके हर चीज़ ऑनलाइन है अगर इंडिया की पावर ग्रिड को हैक कर लिया जाता है तो इंडिया को डार्कनेस में भेजा जा सकता है फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ठीक है मे बी फॉर डेज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर या उसके किसी भी कॉम्पोनेंट को लेट्स शिपिंग एरियल ट्रांसपोर्टेशन या रेलवेज ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन थ्रेट्स के लिए काफ़ी वल्नरेबल हैं और अगर साइबर टेररिस्ट्स इनमें से किसी भी चीज़ का कंट्रोल ले पाते हैं या उसको पेनिट्रेट कर पाते हैं देन दे कैन डू लार्ज स्केल डैमेज एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आप टेररिस्ट्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज़ कंसील्ड बिहाइंड अ मास्क यू कॉन्ट इवन पॉसिबली नो कि टेरर का जो सोर्स था वो क्या था साइबर टेररिज्म में दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम क्योंकि जो साइबर टेररिज्म अगर आप उन्हें लिंक करने की कोशिश करेंगे भी तो वो हजारों राउटर्स के थ्रू होकर आएगा डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू वो अपना जो डेटा है उसको हॉप इन करेंगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू अन द आइडेंटिटी ऑफ एक्चुअल साइबर टेररिस्ट सो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं साइबर एसपीनेज क्या होता है एसपीनेज मींस टू स्पाई तो जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के सीक्रेट्स चुराता है कॉर्पोरेट सीक्रेट्स हो सकते हैं मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस डेटा गैदरिंग हो सकती है क्योंकि सारा सब कुछ जो भी है वो सर्वर्स पे अवेलेबल है और वहाँ से चीज़ें चुराना वहाँ से स्पाई करना इंफॉर्मेशन गेन करना जब कंट्री स्पॉन्सर करता है कोई तो ये साइबर एस्पियोनज होता है यू एस एज एन एक्सपर्ट इन डूइंग इट इज़राइल इज एन एक्सपर्ट इन डूइंग इट साइबर है कौन होते हैं एनोनिमस ग्रुप्स हो सकते हैं इंडिविजुअल्स हो सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं सरल भाषा में बोलूँ तो ये थोड़े से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं आई डोंट नो वेदर यू नो इट or not। हर पॉलिटिकल ग्रुप अपनी एक पर्टिकुलर साइबर प्रमोशन सेल चलाता है जिसमें कि वो अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं और जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको थोड़ा डिफेम करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी अब से कुछ टाइम पहले जिसमें उसने जिसमें उसे दिखाया गया है ये कहते हुए कि इस ऐसी मशीन बनाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा ठीक है समथिंग लाइक दैट ये स्टेटमेंट उसने दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में कहे थे लेकिन एडिटिंग के थ्रू क्या किया गया इसको एक स्टेटमेंट बनाकर वायरल कर दिया गया एंड इस एक स्टेटमेंट ने राहुल गांधी की जो इमेज थी उसको पप्पू की इमेज में फिट कर दिया था सो डिड ही एक्चुअली डिजर्व टू बी अब आई डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन बट ऑफ कोर्स यू वुड ठीक है एंड वो आपके पर्सनल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है बट यहाँ पर चीज़ें कम्प्लीटली यू नो ब्लैक एंड वाइट नहीं है यहाँ पे काफ़ी ग्रे एरिया है जहाँ पर चीज़ें की जाती हैं तो ये जो लोग हैं ये साइबर एक्टिविस्ट्स होते हैं बात करते हैं कौन से कॉमन मैथड्स यूज़ किए जाते हैं साइबर अटैक्स में मेलवेयर्स यूज़ किए जाते हैं मेलवेयर्स क्या करते हैं आपके सिस्टम में आप मान लीजिए आपने कोई अनसेफ वेबसाइट विजिट की तो वहाँ से आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में मेलवेयर्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं कई बार आपको रैंडम सोर्सेस से ईमेल्स आती हैं आप उन ईमेल्स पे क्लिक करते हैं लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से मेलवेयर्स आपके फ़ोन में या सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं वो मेलवेयर्स या तो आपके सिस्टम को हार्म करेंगे या फिर वो डेटा थैफ्ट के लिए होते हैं इट मीन्स दे मोनिटर वॉट यू आर डूइंग सम मेलवेयर्स आर सो पावरफुल सम वायरसेज आर सो पावरफुल दैट दे कैन इवन स्टील योर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे बात करेंगे ठीक है पर्टिकुलर केस भी देखेंगे कि कौन से मेलवेयर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं बट इफ यू आर यूजिंग योर ऑनलाइन बैंकिंग ऑन योर फोन और ऑन योर लैपटॉप एंड इफ़ योर लैपटॉप हैपन्स टू हैव वन ऑफ सच वायरसेज और मेलवेयर्स देन योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू अ थर्ड पार्टी एंड देन यू कैन रेस्ट अश्योर दैट दैट दे वुड बी नो अमाउंट लेफ्ट ओके तो ये होती है मेलवेयर और वायरस अटैक्स जो कि डेटा थेफ्ट और सिस्टम की मेल फंक्शनिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है आपको मलिशियस लिंक्स भेज दिए जाते हैं जिनके थ्रू मेलवेयर्स वायरसेस को इंस्टॉल किया जाता है स्पीयर फिशिंग स्पीयर फिशिंग क्या होती है स्पीयर फिशिंग होता है बेसिकली एक डिसेप्टिव कम्युनिकेशन इट मीनस जो सेंडर है वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा है या फिर वो एक इम्पॉस्टर है वो है कोई और लेकिन वो क्लेम कोई और कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको हेडिंग में दिखाई देता है कि आपको ई आई है अमेजोन से तो क्या अमेजोन के नाम से अकाउंट बनाना कोई बड़ी चीज़ है नहीं आप अमेजोन के नाम से अकाउंट बना सकते हैं उसने वहाँ पर अमेजोन का लोगो भी लगाया हुआ है कॉपी पेस्ट करना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग उसके बाद नीचे उसने लिंक बीच में आपको दिया हुआ है टू क्लेम एटी परसेंट डिस्काउंट क्लिक ऑन दिस ठीक है एक लिंक आपको दिया हुआ है नॉर्मली यूजर्स क्या करते हैं नॉर्मली यूजर्स उस लिंक को क्लिक कर देते हैं विदाउट वेरीफाइंग वेदर द सेंडर इज एक्चुअली एमेज़ॉन या फिर उसकी आइडेंटिटी को किसी ने मास्क किया है एंड वंस दे क्लिक ऑन एट जो सॉफ्टवेयर है उनका जो मेलवेयर है वो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन इट विल ऑब्जर्व वट यू आर एक्चुअली डूइंग सो डिसेप्टिव कम्युनिकेशन करना इज कॉल्ड स्पीयर फिशिंग नॉर्मल फिशिंग भी होती है अगर आप किसी को कॉल करके बोल रहे हैं कि आप प्लेट से बैंक मैनेजर बोल रहे हैं जो कि आपने रैकेट देखा होगा जामताड़ा में रन किया जाता है ऑल इंडिया में रन हो रहा है आज के डेट में हर जगह आपको फ्रॉड देखने को मिलेगा दी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स आर लाइक डी एन एस अटैक्स इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस राउटर सिक्योरिटी ये भी एक थ्रेट है बी जी पी हाई जैकिंग बी जी पी हाई जैकिंग का मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका आई पी एड्रेस कोई थर्ड पार्टी हाईजैक कर लेता है और आपका जो ट्रैफिक है उसे किसी दूसरी वेबसाइट पर राउट कर देता है सरल भाषा में कहूँ तो आप कुछ और ओपन करना चाहते हैं बट ओपन कुछ और होगा अनवांटेड पेजेस कभी कभी ओपन हो जाते हैं कभी कभी आपने अपने फ़ोन पे देखा होगा दैट योर फोन इज एट रिस्क और ओके दबाने से भी वो यू you नो know, आगे आपको फर्दर एक दूसरे पेज पर लेकर जाता है सो डू नॉट एवर रिस्पॉन्ड टू सच प्रॉम्प्ट और ये जो फ्लैश मैसेजेस होते हैं इनके लिए कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए Uh, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैक होता है विच इज़ कॉल्ड बॉटनेट ठीक है ये रोबोट और इंटरनेट से मिलकर बना है डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है ये इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखेंगे बॉटनेट्स के क्योंकि बॉटनेट जो है वो डी डी ओ एस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिनाइल ऑफ सर्विस दोनों से रिलेटेड है हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स वी आर गोना सी अबाउट इट इन यू नो ब्रीफ बाद में अभी देखेंगे इसके बारे में हम साइबर वॉरफेयर वॉट इज साइबर वॉरफेयर इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्शन टू पेनेट्रेट इन टू एनिमी और कॉम्पिटिटर्स नेशन कंप्यूटर्स विद इंटेंट ऑफ कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रप्शन ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं हालांकि इसमें कुछ इतना खास है नहीं याद रखने के लिए नॉर्मल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं साइबर वॉरफेयर के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है बिकॉज़ ये आज की डेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन गया है पूरी दुनिया के लिए क्वाइट डेंजरस क्यों क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते तो आप उससे फ़ाइट कैसे करेंगे इन ऑर्डर टू डिफ़ीट योर एनिमी यू हैव टू फर्स्ट नो द एनिमी दिस इज वॉट आर्ट ऑफ वॉर इज़ बट इन दिस केस जो साइबर वॉरफेयर है द अटैकर इज़ बिहाइंड अ कंसील्ड आइडेंटिटी बिहाइंड अ मास्क एंड ही कैन बी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे यू कान डू एनी थिंग यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे और अगर आपने साइबर क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो आप उसे डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप उसे एक्सपेट्रिएट uh, नहीं कर सकते हैं उसका एक्सटडिशन नहीं कर सकते हैं सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ चैलेंजेज इन्वॉल्व इन इट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बोडापेस्ट कन्वेंशन ये आप इसका दूसरा नाम है कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम पूरी दुनिया की फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने इंटरनेट और साइबर क्राइम से डील करने की इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश की है नेशनल लॉज को लाइन में लाना हार्मोनाइज करना उनकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को इम्प्रूव करना और नेशंस के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है बट द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रीटी वाई बिकॉज इंडिया को लगता है कि उसकी जो नेशनल सोवरेनिटी है वो इस ट्रीटी को साइन करने से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द डेटा विद रिमेनिंग कंट्रीज दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी I had already explained in the previous part कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है It is more like a common platform where victims and the attackers सब को एग्जिस्ट करते हैं कौन विक्टिम है कौन, कौन अटैकर है इसको प्री आइडेंटिफाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन काम है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में साइबर अटैक्स की जो संख्या है इट हैज़ गॉन अपनी फोल्ड कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है तो यहाँ पर मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट साइबर अटैक्स को लिस्ट किया हुआ है वी आर गोना टॉक अबाउट दम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ये नॉर्थ हरियाणा का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है इसको एक रैनसम ने हिट किया था टू में रैनसम नाम से आपको समझ आ रहा होगा इट इज़ बेसिकली अ अलवेयर जो कि इम्पोर्टेंट डेटा को लॉक कर देता है और अगर यूज़र को अपना डेटा वापस चाहिए तो उस डेटा के लिए उसको पैसे पे करने पड़ते हैं सो इट इज़ लाइक किडनेपिंग ऑफ डेटा इस रैनसम वेयर ने 2018 में आई गेस मे मंथ में वेरी फाइन मॉर्निंग वेन ऑफिस वॉज ओपन तो सबके स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था दैट इफ़ यू वॉन्ट टू रिट्रीव योर डेटा योर डेटा हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इफ़ यू वॉन्ट टू रिट्रीव योर डेटा देन पे वन करोड़ रुपीज़ तो एक करोड़ की फिरौती की मांग रखी गई थी हालांकि uh, बिजली विभाग के पास जो डेटा था उसका थोड़ा बहुत बैकअप था बट स्टिल एज पर द डिफरेंट सोर्सेज आई गेस 4000 से ज़्यादा यूजर्स की जो बिलिंग डिटेल्स थी वो मिस हो गई थी और उनके जो बिल्स थे आगे वो इन्फ्लेटेड आए थे एंड इट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑब्वियसली वन करोड़ रुपीज़ वर नॉट पेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट बट स्टिल यू कैन सी कि किस तरीके से जो फाइल्स हैं उनको होल्ड किया जा सकता है तो रैनसम से डील करने का सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपना जो डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लेकर रखें अगर बाय चांस कभी रैनसम अटैक होता भी है देन एटलीस्ट योर डेटा विल बी सेफ दूसरा एक काफ़ी फेमस अटैक हुआ था साइबर अटैक वना क्राई इंडिया थर्ड वर्स्ट हिट नेशन था एंड वनक्राई ने सिर्फ इंडिया में दो लाख से ज़्यादा सिस्टम्स को अटैक किया था एंड अगेन इट वाज़ अ रैनसम फाइल्स को लॉक कर दिया जाता था एंड उसको ओपन करने के लिए पैसे मांगते थे जो अटैकर्स थे साइबर अटैकर्स 2016 में एक काफ़ी पॉपुलर अटैक हुआ था विच वॉज़ कॉल्ड मीराई बॉटनेट मेलवेयर अटैक मीरा ही एक्चुअली एक मेलवेयर uh, का नाम है यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉटनेट क्या है बॉटनेट में दो शब्द यूज हुए हैं बॉट बोले तो रोबोट नेट आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर नेटवर्क ओके सो इट्स लाइक अ जोम्बी सिस्टम आई गिव यू एन एग्जाम्पल लेट मी शो यू द पिक्चर फर्स्ट सी दिस इज हाउ एक्चुअली बॉटनेटवर्क्स इसमें एक बॉट uh, मास्टर होता है दिस इज़ बेसिकली दैकर एंड ये हैकर क्या करता है ये किसी एक डिवाइस को या किसी किन्हीं दो डिवाइसेस को हैक कर लेता है और हैक किस तरीके से करेगा हैक करेगा वो मेलवेयर के थ्रू सपोज़ कीजिए आपके पास आप एक लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे आप एक जर्नलिस्ट हैं काफ़ी नॉन जर्नलिस्ट हैं और आपके पास एक मैसेज आता है उस मैसेज में लिखा हुआ है कि आ, दस से ज़्यादा लोगों को एनकाउंटर करके मारा गया है किसी भी अननोन सोर्स से और उसका लाइव वीडियो या प्रूफ के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें तो नीचे जो लिंक दिया हुआ होगा वो ऑब्वियसली किसी प्राइवेट नंबर से आया है एंड बिकॉज़ यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू हैव क्यूरियोसिटी तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे द मोमेंट यू क्लिक द लिंक चाहे फिर फ़ोन आपका एप्पल का हो या फिर गोवा का हो या फिर सैमसंग का हो डजेंट मैटर द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लिंक इट विल इंस्टॉल अ ट्रोजन वो आपके फ़ोन के अंदर एक ट्रोजन एक मेलवेयर इंस्टॉल कर देगा वो मेलवेयर आपको उस टाइम पर कुछ इमिडिएट इफेक्ट्स शो नहीं करेगा ना ही आपका फ़ोन स्लो होगा ना ही कुछ फ्लैशी चीज़ें होंगी इट्स लाइक ट्रोजन यू नो इट विल जस्ट सेट आइडल इन योर फोन एंड इट विल वेट फॉर द राइट टाइम The thing is that it is like a software which will work on the command of the बॉट मास्टर अब आपके अगर फोन में या लैपटॉप में ये malware install हो गया तो जितनी भी चीज़ों से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट किया मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट किया पड़ोसी के वाई फाई से कनेक्ट किया या किसी और चीज़ से कनेक्ट किया दिस Malware will spread from your computer to all other sources. So जिस तरीके से zombies काम करते हैं, या फिर more recent example corona जैसे contact tracing होती है and all कि कौन किसके contact में आया, किस तरीके से virus spread होता है. So if your system is infected, उसके बाद जो bot master है उसको इंडिविजुअली हर सिस्टम को अलग से इन्फेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपका सिस्टम जितने ऑनलाइन सिस्टम्स के कांटेक्ट में आएगा वो सिस्टम्स ऑटोमेटिकली मेलवेयर उनमें इंस्टॉल हो जाएगा एंड द इवेंचुअल कंट्रोल द फाइनल कंट्रोल वुड ऑलवेज रिमेन विद द बॉट मास्टर अब ये बॉट मास्टर क्या कर सकता है बॉट मास्टर आपका जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है नॉट ओनली दैट जो बॉटनेट अटैक्स होते हैं वो बेसिकली डी ओ एस या फिर डी डी ओ एस कैरी आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं डी ओ एस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस आपने किसी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की और वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है इट्स लाइक वेबसाइट इज़ डाउन बिकॉज वेबसाइट जो है वो कोई लाइव चीज़ नहीं है वेबसाइट की जो भी फाइल्स हैं वो सर्वर पे लोकेटेड होती हैं तो वेबसाइट अगर सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगी देन इट विल नॉट फंक्शन सो डी ओ एस में वॉट विल हैपन एज कि ये जो बॉट मास्टर है ये सारे डिवाइस को जितने भी डिवाइसेज हैं इनको किसी भी एक सर्वर की तरफ फ्लड कर सकता है मान लीजिए उसको फेसबुक को क्रैश करना है तो फेसबुक पे या फेसबुक का जो सर्वर है या उसके जितने भी सर्वरस हैं और अगर इस वायरस से लेथ से या मेलवेयर से वन मिलियन यूज़र्स अफेक्टेड हैं तो वो वन मिलियन का जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है उस पूरे ट्रैफिक को एक पर्टिकुलर सर्वर पे डाल सकता है अब एक सर्वर पे अगर वन मिलियन रिक्वेस्ट्स एक साथ आ जाएंगी साइमल्टेनियसली देन द सर्वर विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस वर्कलोड और डेटा का जो डिमांड है इसको हैंडल नहीं कर पाएगा एंड द एंटायर सर्वर वुड क्रैश अब यहाँ से क्या होगा ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस तो अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कोई दो तीन चार पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अटैक किया जाता है दैट इज़ लाइक डेनाइल ऑफ सर्विस जहां पर पूरे सर्वर को ही क्रैश कर दिया जाता है दैट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस और ऐसा बहुत बार होता है मिराई का जो अटैक था ये 2016 में एक्सपीरियंस किया गया था मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ ठीक है और अगर आप ओवर द वर्ल्ड देखेंगे तो इसने टू मिलियन आई डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को अफेक्ट किया है इंडिया में इसका जो नंबर है वो लाखों में है बट अगेन यू एस इन कंट्रीज़ में मिराई बॉटनेट ने ज़्यादा यूजर्स को अफेक्ट किया था पेटिया ये एक और रैनसम है इसका सिर्फ आप नाम याद रख सकते हैं अब आपको पता है कि रैनसम काम कैसे करता है एक और बग है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेंड हॉक अभी तो स्ट्रेंड हॉक का टू uh, पॉइंट ज़ीरो टू पॉइंट ओ वर्जन भी आ गया है इट्स लाइक इट इज़ सो डेंजरस एंड सो सीवियर कि एक बार ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आ गया देन इट विल रीड योर एंटायर एक्टिविटी एंड इट विल अपलोड द डेटा और योर डेटा वुड बी एक्सेसबल बाई हैकर एनी टाइम सो प्लीज़ बी केयरफुल सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइबर क्राइम को रोकने के लिए यहाँ पर क्योर नहीं है यहाँ पर प्रिवेंशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेगासस ये एक स्पाईवेयर है एक मेलवेयर है इसको डेवलप किया था इसराइल ने हालांकि इसराइल इस चीज़ को डिनाई करता है ऑब्वियसली डिनाई करेगा बट इसराइल ने इस ऐप का यूज़ किया था इंडिया एज़ वेल एज कुछ और कंट्रीज में स्पाइंग uh, के लिए यू नो एसपीज के लिए इस्तेमाल किया था एक uh, नया ट्रोजन मेलवेयर अभी मार्केट में है जिसका नाम है ब्लैक रॉक इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस एंड ये आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल ले सकता है साइबर अटैक्स में एक और प्रॉब्लम रिसेंटली इमर्ज हुई है हालांकि इसके स्लाइटली लेस एफिशिएंट वर्जन्स पहले भी अवेलेबल थे बट डीप फेक की जो प्रॉब्लम है ये 2016, 17, 18 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुई है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है आप जब कभी अपने फ़ोन पे ऐप यूज़ करते हैं अपनी इमेज को इन्हेंस uh, करने के लिए लेट्स से उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए ब्यूटीफाई करने के लिए वो सब क्या है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देर आर सॉफ्टवेयर्स इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप देन ऑल्सो दे विल क्लिक योर पिक एंड इट वुड लुक लाइक दैट यू आर वेयरिंग फुल मेकअप सो आर्टिफिशियल जो वर्ड है और जो रियल वर्ल्ड है उसको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल हो गया है आज के डेट में एंड इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स की वजह से लोग फ़ेक वीडियोस बनाते हैं सेलिब्रिटीज़ के नेताओं के उनके फ़ोटोज़ उनके ऑडियोज़ तक को ऑल्टर कर दिया जाता है एंड उनके हेड मूवमेंट्स एक्सप्रेशंस सब दूसरे पर्सन पे इतना स्मूदली ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि फ़ेक को और ओरिजिनल को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं तब तक आप डीप फेक और जो ओरिजिनल है उसमें डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं देर इज़ अ प्रैक्टिस विच इज़ कॉल्ड कैट फिशिंग आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा फिक्टिशियस ऑनलाइन प्रोफाइल्स सेटअप किए जाते हैं नाम से उसका कुछ और होगा बताएगा कुछ और एंड जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रॉडुलेंट रोमांटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है या फिर मे बी

कौन कौन से मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं अगेन सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वंस द डैमेज इज़ डन इट इज़ डन इट कैन नॉट बी अनडन ओके लेकिन आप डैमेज को होने से पहले रोक सकते हैं एम्प्लॉज़ को या जो नॉर्मल लोग हैं उनको प्रॉपर अवेयरनेस ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी डिटेल्स पे क्लिक करना है कौन सी डिटेल्स वेरीफाइड हैं कौन सी डिटेल्स अनवेरीफाइड हैं किन वेबसाइट्स को सेफ कंसीडर किया जाता है या फिर आपका जो ब्राउज़र है उसकी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग लोगों के लिए अरेंज की जानी चाहिए एम्प्लॉयीज़ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए तो आई गेस ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की जाती हैं बट स्टिल जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि यू में जो 2016 में फ्रॉड हुआ था वो फ्रॉड एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से हुआ था उसने एक ईमेल गलत डाउनलोड कर लिया था अटैचमेंट पे क्लिक कर दिया था एंड दैट इज़ हाउ ही कॉम्प्रोमाइज फंड्स ऑफ ऑलमोस्ट 170 मिलियन डॉलर्स बैकअप रखना चाहिए डेटा का सेपरेटली अलग से किसी हार्ड ड्राइव में आपको रखना चाहिए रैंसम के केस में जो बैकअप है वो आपके काफ़ी काम आ सकता है रेगुलर वलनरेबिलिटी असेसमेंट आपको अपने सिस्टम को रेगुलरली चेक करना है या जो आपके मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर बात करूँ तो जो आईटी जो टीम है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसे रेगुलर ड्रिल्स करने चाहिए कि कहाँ पर वलनरेबिलिटी सिस्टम में अवेलेबल है अनवेरीफाइड लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है वहाँ से ट्रोजन मेलवेयर्स आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में एंटर हो सकते हैं सोशल मीडिया को आपको कॉशन के साथ यूज़ करना है हो सकता है आपकी जो प्रोफाइल है वो आपने ना बनाई हो लेकिन आपकी इमेज कोई और यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ से डील करने के लिए इमेज में एक रिवर्स इमेज सर्च का ऑप्शन होता है अगर आप नॉर्मल गूगल पे अपनी इमेज को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और सर्च में जाएंगे देन इट विल गिव यू द एग्जैक्ट मैच अगर वो किसी प्रोफाइल पर होगी तो इट विल बी विजिबल आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर कि कोई और व्यक्ति किसी और नाम से आपकी प्रोफाइल पिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है डोंट विजिट अनसेफ एंड फिशी वेबसाइट्स एंड फाइनली डोंट डाउनलोड सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम अनवेरीफाइड सोर्सेज अगर आपको कभी लिखना पड़े कि कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं तो ये मेजर्स हम ले सकते हैं साइबर अटैक से डील करने के इंडिया में अब ये चीज़ भी आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सेंट्रल एजेंसीज़ को स्पेशल परमिशन दी हुई है कि वो भारत के किसी भी व्यक्ति को या उसके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं डिक्रिप्ट कर सकते हैं और हर एजेंसी नहीं कर सकती है देश में वैसे दस एजेंसीज़ को दिया गया है बट आपके लिए दस का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए नाम याद रखना ज़रूरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो चाहे तो आपके जो लाइव कॉन्वर्सेशनस हैं वो रिकॉर्ड सुन सकती है आपके एस एम एस आपके व्हाट्सएप मैसेजेस फेसबुक ट्विटर एनी थिंग दैट यू आर डूइंग इवन इफ यू टाइप समथिंग ऑन योर फोन ओके देन ऑल्सो इंटेलिजेंस ब्यूरो कैन एक्सेस इट प्रोवाइडेड इट इज़ वर्थ एक्सेसिंग एन सी बी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फुल एक्सेस दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सी बी डी टी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी बी आई हमारी एन आई एंड रॉ इनके पास तो होना बनता है एंड फाइनली जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है या डेली कमिश्नरेट जो है उसको भी ये अधिकार दिया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वो लोगों की प्राइवेसी को यहाँ पर ब्रीच कर सकते हैं ठीक है दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से सो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट खास करके जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो जो आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा मॉनिटरेबल होता है बाई सर्टेन एजेंसीज इन इंडिया एम एच ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिकॉज यही डील करती है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से सो एम एच ए ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑथराइज़ किया है सेक्शन सिक्सटी नाइन 1 वन के अंडर ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड आई टी एक्ट टू थाउजेंड के अंडर एक सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए हुआ करता था एंड इसको रिमूव कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तो अभी बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बट आप अपनी नॉलेज के लिए कि किन सरकमस्टांसिस में इसको रिमूव किया गया है इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं होमवर्क में वॉट वॉज सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड नाउलेट्स टॉक अबाउट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी टू 2013 थर्टीन से पहले इंडिया के पास कोई भी साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी नहीं थी एंड ये जो कंटेंट है यहाँ पर ये आपको एग्जामिनेशन पर्पस में आप इसको वर्बेटिम uh, लिख सकते हैं आप इसको डिटो लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द ऑफिशियल कंटेंट यूजड अंडर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव क्लियर है टू क्रिएट अ सिक्योर साइबर स्पेस इकोसिस्टम और जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये यह आता है कि हमारी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें नेशनल एज़ वेल एज सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज एंड स्टेट वाइज अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि डील करते हैं साइबर थ्रेट से

अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने डेटा ब्रीच के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें खुद से मेजर्स लेने होंगे टू प्रोटेक्ट देयर ओन डेटा थर्ड पॉइंट में समझने जैसा कुछ है नहीं बस ये जो लैंग्वेज है ये आप एक बार कॉपी कर लेना अपने ब्रेन में यहाँ पर जो एक सिक्योर साइबर स्पेस इको है उसे किस तरीके से कौन सी मैथडोलॉजी से अचीव किया जा सकता है बस उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रिस्क असेसमेंट कंटिन्यूस होना चाहिए बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो और रिस्पॉन्स क्रिएट करने हैं मॉक ड्रिल्स करनी है टाइमली रेजोल्यूशन करना है क्राइसिस मैनेजमेंट करना है करें या ना करें दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन आपको साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए अगर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू राइट बिकॉज दिस इज़ वॉट दी एवेल्युएटर वुड लाइक टू सी प्लान क्या था प्लान था 2013 में कि अगले पाँच सालों में हमें पाँच लाख लोगों को हायर करना है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे हालांकि हमारा टारगेट अभी बहुत दूर है 50 परसेंट भी नहीं पहुंचे हम और बट वी कैन से वी हैव अचीव्ड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इफ़ नॉट अ स्टनिंग प्रोग्रेस केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी फाइनली पॉलिसी का एम to promote and launch a comprehensive national awareness program on security of cyberspace kitna effective hua hai kitna nahi hua hai it doesn't matter as of now because is cheez ko verify karne ke liye hamare paas data bhi available nahi hai एक committee का नाम आपको याद रखना है प्रलिम्स के लिए B.N. श्री कृष्णा कमेटी 2018 में इन्होंने अपनी report submit की थी data protection framework को लेकर डेटा प्रोटेक्शन किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो डेटा का लोकलाइजेशन है अब आप सोच रहे होंगे लोकलाइजेशन ऑफ डेटा क्या है तो ये आपका होमवर्क है मैं आपको वैसे सरल भाषा में बता भी सकता हूँ कि हमारे जो सर्वर्स हैं जो भी हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं जो भी वेबसाइट्स हैं मैक्सिमम सर्वर्स यूएसए में लोकेटेड हैं या हमारे देश के बाहर लोकेटेड हैं किसी और कंट्री में लोकेटेड हैं तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल लॉज उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और दूसरा क्योंकि किसी दूसरे कंट्री में फ़िज़िकल प्रेजेंस है सर्वर की जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर्ड है तो अगर उनके पास फ़िज़िकल एक्सेस है तो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है बाकी डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं व्हाट इज़ डेटा लोकलाइजेशन अभी बात करते हैं भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं साइबर क्राइम से डील करने के लिए ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है नोट्स बहुत सिंपल हैं आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है सो आई विल जस्ट स्किम थ्रू इट ओके नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेकमेंड की है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च लोगों को ट्रेन करना उनके स्किल्स को थोड़ा बढ़ाना एंड जो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अडॉप्शन को इनक्रीज़ करना है बट एट द सेम टाइम हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिक्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है सो इट इज़ लाइक यू नो हैविंग अ बैलेंस्ड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट जो है ये नोडल एजेंसी है जो कि साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए डेजिग्नेट की गई है साइबर स्वच्छता केंद्र ये है आपका बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर बॉटनेट यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़ ठीक है तो अगर मिलिशस प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में बाई चांस इंस्टॉल हो गए हैं तो उनको आप क्लीन कर सकते हैं साइबर स्वच्छता केंद्र की हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक ऑनलाइन एप्स वगैरह यूज किए हुए हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन से एप्स हैं उन एप्स की मदद से आप अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं जो रेगुलर बॉटनेट्स होते हैं जो मेलवेयर्स होते हैं उनको उससे इजीली क्लीन किया जा सकता है और वो फ्री एंड फाइनली इंडिया ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम शुरू की है और स्कीम uh, इम्प्लीमेंट किसने की है एमएच ने इम्प्लीमेंट की है एम क्या है टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिकॉज दीज पीपल दे आर वेरी वेरी वेलरेबल टू साइबर क्राइम्स टैक्स सागर इज अनदर इनिशिएटिव टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया की उसने जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस है उसके साथ पार्टनरशिप में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है एंड इस पोर्टल पर इंडिया की जो साइबर टेक कैपेबिलिटीज हैं उनको पूरा लिस्ट आउट किया हुआ है नाउ यू वुड से व्हाट इज़ साइबर टेक कैपेबिलिटी इट मींस के इंडिया में जो भी आईटी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो भी स्टार्टअप्स हैं जो भी उनका वेंचर है वो जिस जिस डोमेन में डील करते हैं जो जो काम करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है एंड यहाँ से फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी है इंडिया की जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है उसको शोकेस करने के लिए ये टैक्स सागर यहाँ पर बनाया गया है आप टैक्स सागर की जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड से ज़्यादा एंटिटीज़ ऑलरेडी लिस्टेड मिलेंगी एंड द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन एंड फाइनली इंडिया ने प्लान बनाया है एक ट्राई सर्विस एजेंसी के लिए ट्राई सर्विस एजेंसी में शुरू में थाउजेंड साइबर एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा और ये साइबर एक्सपर्ट्स को ट्राई सर्विस यहाँ पे मतलब है एयरफोर्स आर्मी नेवी से इन थाउजेंड साइबर एक्सपर्ट्स को इन तीनों डिफेंस ब्रांचेस को अलोकेट किया जाएगा वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा और उनका काम होगा कि जो साइबर वॉरफेयर है डिफेंस फ्रंट पे उससे डील करना बट ये जो प्लान है ये अभी पाइपलाइन में है इट हैज़ नॉट कम इन टू रियालिटी फाइनली बात करते हैं कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं सबसे पहला चैलेंज आता है राइट टू प्राइवेसी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया में टेन एजेंसीज को एम ने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि वो आपके फोन के साथ जो चाहें आपके डेटा के साथ जो चाहें कर सकती हैं उसे कभी भी एक्सेस कर सकती हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ठीक है तो इस चीज़ को लेकर बहुत बार कंसर्न उठा है एंड अभी कुछ दिन पहले आधार का जो सिक्योरिटी था और सिक्योरिटी ब्रीच था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे तारीख पे तारीख पे तारीख लगी है फाइनल आउटकम क्या हुआ है ये आप होमवर्क में पढ़ सकते हैं इन शॉर्ट आधार को फ़िलहाल के लिए सेफ़ कंसिडर किया गया है बट इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारा जो आधार पोर्टल है वहाँ पे पूरे देश के लोगों की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है एंड अगर बाई चांस किसी दिन हैक हो गई देन, द कॉन्सिक्वेंस माइट बी बियॉन्ड आवर आर इमेजिनेशन डेटा डिनाइल ये एक और चैलेंज है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जो सर्वर्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिजिकली बाहर लोकेटेड हैं इंडिया के बाहर और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके पास वहाँ का कंप्लीट एक्सेस नहीं है उसे उस कंट्री के जिस कंट्री में फिजिकली सर्वर लोकेटेड है वहाँ की कोऑपरेशन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है दैट इज़ वाई इससे डील करने के लिए डेटा लोकलाइजेशन का जो स्टेप है उसे लिया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी में आपकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बैंक्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब का अपना एक अलग एजेंडा है ये अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट करते हैं सबकी मोड ऑपरेंडी अलग अलग है दैट इज़ वाई इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक यूनिफॉर्म रोल असाइन करना कि ये साइबर सिक्योरिटी से किस तरीके से डील करें ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वॉट इट मीन्स इज दैट इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया ये पॉइंट ग्लोबली एप्लीकेबल है देर आर वेराइटी ऑफ प्लेयर्स जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंडर आते हैं बट उन सब का एजेंडा अलग अलग है काम करने का तरीका अलग अलग है प्रायोरिटीज अलग अलग हैं एंड दैट इज़ वाई उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी डिवाइज करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क इफ नॉट इम्पॉसिबल दैन चैलेंजिंग कन्विक्शन रेट काफ़ी नीचे है मान लीजिए किसी को साइबर क्राइम करते हुए पकड़ भी लिया तो भी उसे नॉर्मली छोड़ दिया जाता है बिकॉज़ uh, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी तक वो फुल्ली ट्रेंड भी नहीं है उन कल्प्रिट्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने में जितना केस स्ट्रॉन्ग होगा उतना कन्विक्शन रेट ज़्यादा होगा बट सिक्योरिटी फोर्सेस दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग टू डू दैट वैसे भी साइबर क्राइम के लिए इंडिया में जो लॉज हैं वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने के होने चाहिए लैक ऑफ़ पीपल्स अवेयरनेस इंडिया में हम लोग हमारा कल्चर ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग एप्पल का फ़ोन नहीं खरीदते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट और लेट्स से फॉर टू सिंपल रीजंस ठीक है आई वुड इंक्लूड माय पर्सनल रीजन एज वेल दैट इट इज़ नॉट यूजर फ्रेंडली आई डोंट फाइंड इट यूजर फ्रेंडली एंड सेकेंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट वॉट एप्पल ऑफर्स यू इज़ सिक्योरिटी एप्पल जैसी सिक्योरिटी आपको किसी और फोन में नहीं मिलेगी बट क्या एप्पल अनबरीचल है नो ऐपलो रिचेबल अगर उसमें भी आपने गलत लिंक डाउनलोड कर लिया चाहे फिर एप्पल हो या कुछ और हो ड मैटर ट्रोजन विल बी देर ओके चाइनीज़ मोबाइल्स चाइनीज़ मोबाइल्स क्या करते हैं ऐसा माना जाता है इंडिया में चाइनीज़ मोबाइल्स की जो मार्केट है वो पिछले पाँच से छः सालों में एक्सपोनशली ग्रो हुई है रेडमी हो रियल मी हो या जितने भी ये फ़ोनस हैं ये सारी कंपनीज़ चाइनीज़ हैं और किसी भी टेलीकॉम या, या किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए डेटा को एक्सेस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है जितने भी यूज़र्स चाइना का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आई एम आल्सो वन ऑफ देम तो ये जो डेटा है इसको अगर कंपनी अनएथिकली यूज़ करना चाहे तो क्या कर सकती है यस कंपनीज़ दे ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन टू मेक अ बैकडोर वो किसी भी मोबाइल डिवाइस में या अपडेट के थ्रू जो अपडेट्स आती हैं वो डेटा को यूज़ कर सकती हैं नेक्स्ट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ वीक लिंक वीक लिंक का मतलब यहाँ पर ये यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो आई रिमेंबर दैट वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर पहले शायद बात की है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जैसे मान लीजिए आप कार में जी uh, यूज़ कर रहे हैं डायरेक्शंस के लिए या फिर आप मान लीजिए घर पे टीवी यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर मान लीजिए आप ऑनलाइन म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये जो या आप गूगल होम मिनी यूज़ कर रहे हैं या अमेज़ोन का कुछ आता है वो यूज़ कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर आती हैं एंड मे बी आपका फ़ोन मे बी आपका लैपटॉप अपग्रेडेड है उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है बट इन चीज़ों को हैक करना कम्पेरेटिवलीजियर होता है क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स इतने ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं नेक्स्ट चैलेंज इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए है स्किल्स की शॉर्टेज हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है हम लोग नए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं हम लोग नए सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं लेकिन थ्रेट्स से डील करने में थोड़ा सा पीछे हैं एंड फाइनली जो क्राइम्स इंटरनेट पे किए जाते हैं उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन अराइज़ होता है मान लीजिए इंडिया के किसी यूज़र को आ, अमेरिका के किसी यूज़र ने ऑनलाइन ठग लिया ठीक है तो अब आप क्या कर सकते हैं इस केस में आपको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इस केस को सुलझाने के लिए या यहाँ पर जो कल्प्रिट है उसको सज़ा दिलाने के लिए एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया इन साइबर सिक्योरिटी एज ऑफ नाउ सो गाइज दैट्स ऑल कंटेंट को आप ठीक से रिवाइज करना लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनकी एक बार लिस्ट बनाइए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट अटैम्प्टीज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन हेयर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सो प्लीज़ ड्रॉप मी आर टेक्स्ट आई विल हेल्प यू विद डेट ऑलरेडी गाइज थैंक यू सो मच